जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का चुनावी दौरा भी लगातार जारी है। अब से कुछ देर में सिवान के पुलिस लाइन में पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हजारों समर्थकों के साथ मोहम्मद कैफूर बंटी और सिवान प्रत्याशी नेमत आजाद पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं। आप सिवान में मौजूद हैं, रघुनाथपुर विधानसभा 108 से उम्मीदवार हैं आप एचडीपीआई के, पीडीए गठबंधन से। अभी पप्पू यादव जी और चंद्रशेखर जी सिवान में आगमन होने जा रहा है, कुछ ही पलों में आएंगे। क्या कुछ अपने दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे पप्पू यादव और चंद्रशेखर की तरफ से? देखिए, दोनों बड़े नेता हैं और सबसे बड़े ये कि जुझारू हैं और ये गरीबों के लिए खड़े होते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ इलेक्शन में खड़े होते हैं और इलेक्शन की बातें करते हैं। ये आपको 12 मास दिखेंगे, जहां भी परेशानी होती है भाई चंद्रशेखर वहां खड़े होते हैं, भाई पप्पू यादव जी खड़े होते हैं। आप बाढ़ में देख लीजिए, कोरोना काल में देख लीजिए, और फिर गरीबों की बात कर लीजिए, चाहे हाथरस हो या कोई भी कांड हो, यही नेता को सबसे पहले आप देखते हैं। तो इन दोनों नेताओं का आगमन सिवान धरती के लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है, कुछ चमत्कार और कुछ बम ब्लास्टिंग होने वाला है कि इस बार जो नए जो चेहरे आए हैं विधायक के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि जो भी यहाँ पे पीडीए का कैंडिडेट है, चाहे वो महाराजगंज हो या फिर रघुनाथपुर हो या फिर सिवान हो, हम यहाँ से जीत के विधानसभा में जाएं। कार्यक्रम यही हुआ है कि 1:30 बजे का प्लान था, मुझे लग रहा है कि 2 बजे तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और पप्पू यादव जी आएंगे। पप्पू यादव जी फिर यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में निकल जाएंगे और चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ सिवान विधानसभा का रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद महाराजगंज में कंबाइंड प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से परमिशन की दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से कार्यक्रम वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। पप्पू यादव जी भी होंगे वहाँ पर महाराजगंज में? महाराजगंज में पप्पू यादव जी आज नहीं होंगे, कल हो सकते हैं, अभी आज का कोई प्रोग्राम नहीं है। चंद्रशेखर साहब का प्रोग्राम है।